नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360 न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के गांधी स्टेडियम से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। साथ ही 72 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आपको बता दूं, जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, तो वहीं जनता भी बढ़ चढ़ कर इस जनसभा में हिस्सा ले रही है। हमारे संवाददाता के साथ देखिए ये रिपोर्ट। वो बैकुल का जीर्णोद्धार कराया गया। जनपद रामपुर की बहला नदी पर ग्राम बैजना में सब सर्विस हाइक का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिससे जल स्तर में वृद्धि होगी। तालाबों में प्राकृतिक रूप से भूजल रिचार्ज होने का दर एक धीमी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण कराया जा रहा है। मनरेगा के अंतर्गत तालाब जीर्णोद्धार योजना में पुराने तालाबों को 3 मीटर गहरा किया जा रहा है। साथ ही जल के आने व निकासी के लिए इनलेट व आउटलेट रैंप का निर्माण किया जाता है। अमृत सरोवर निर्माण के तहत देश के प्रथम अमृत सरोवर का शुभारंभ 24 अप्रैल 2022 को किया गया, जिसकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में की गई। वर्षा जल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में।